Okay, proceeding further, we come to next question, question number 4. In this case, two temperatures are given to you, one in Fahrenheit and another in degree Celsius, and the relation is given to you. T of C, this is equal to 9C by 5 plus 32. This T is representing temperature in Fahrenheit and C, it is representing temperature in degree Celsius. This is the relation, okay. Then, what do you have to find? You have to find T of 0. Means, aapko ye pata lagana hai, ki jab degrees mein temperature 0 hai, tab Fahrenheit mein kitna hoga, okay. अब इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो C की वैल्यू जीरो दी है, अब यहाँ C की वैल्यू जीरो कर दोगे, ओके, अपॉन 5 प्लस 32, 9 इंटू जीरो जीरो, जीरो डिवाइड बाई 5 जीरो, सो दिस गिव्स यू 32, मतलब डिग्री सेल्सियस में जब ये जीरो डिग्री होगा तब फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होगा, ठीक है. अब डिग्री सेल्सियस में जब ये 28 है, आपको क्या मिलेगा, 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32, डू द मल्टीप्लीकेशन, 9 28, 9 एट जा 72, कैरी 7, ओके, 9 टू जा 18, 18 प्लस 7, 25 प्लस 5 इंटू 32, 160 डिवाइड बाय 5, डू द एडिशन, यू गेट 2, 11, 4, 4 1 2 अपॉन 5, मतलब जब डिग्री सेल्सियस में 28 डिग्री सेल्सियस है तब फ़ारेनहाइट में ये 412 बाय 5 आएगा. अब डिग्री सेल्सियस में यदि ये माइनस 10 है तब यू गेट 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32, दिस गिव्स यू 5 वन जा एंड 5 टू जा, मीन्स माइनस 18 प्लस 32 एंड दिस गिव्स यू 14, यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस है, ओके. अब एक केस ये दिया है, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212, मतलब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया है 212, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा ये हमें पता लगाना है. सो वी हैव 9C अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212, दिस गिव्स यू 9C अप॑ॉन 5, दिस इज इक्वल टू 212 माइनस 32, दिस गिव्स यू 9C इज इक्वल टू 212 माइनस 32, यू गेट 180 इंटू 5, ओके, दिस गिव्स यू C इज इक्वल टू 180 इंटू 5 अपॉन 9, 9 वन जा 20 जा, दिस इक्वल टू 100, मतलब C हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, कब, जब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 212 डिग्री है, ओके. क्वाइट ईजी. और इससे रिलेटेड अगर आपको याद हो तो आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड ग्राफ्स में, ओके, वहाँ पे भी था, आपको यही रिलेशन दिया था एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, ओके, दिस इज योर आंसर्स, प्लीज नोट इट डाउन.